इस वीडियो में हम महात्मा गांधी पर संस्कृत भाषा में निबंध देखेंगे, बहुत ही सरल और सरल शब्दों में, ताकि आप आसानी से समझ पाएं। और मुझे ये पूरा विश्वास है कि आप यह वीडियो पूरी देखने के बाद बहुत आसानी से ये समझ पाएंगे और देखते ही आपको याद हो जाएगा। महात्मा गांधी एक महापुरुष आसीत। महात्मा गांधी एक महापुरुष थे। अस्य पूर्णम नाम मोहनदास करमचंद्र गांधी अस्ति। अस्य यानी उनका पूर्ण नाम, उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद्र गांधी अस्ति। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद्र गांधी है। अयम पोरबंदर नगरे अक्टूबर मासस्य द्वितारिकायां 1869 तमे वर्षे जन्म अभवत। उनका जन्म पोरबंदर नगर में अक्टूबर मास के दूसरी तारीख को 1869 वर्ष में हुआ था। तस्य पितु नाम करमचंद्र गांधी मातुश्चा पुतली बाई आसीत। उनकी माता का नाम पुतली बाई था और उनके पिता का नाम करमचंद्र गांधी था। तस्य यानी उनके, पितु पिता का, उनके पिता का नाम करमचंद्र गांधी और मातुश्चा यानी माता का और माता का पुतली बाई आसीत, पुतली बाई था। तस्य पत्नी कस्तूरबा धार्मिका पतिव्रता नारी आसीत। उनकी पत्नी कस्तूरबा, उनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा, धार्मिक व एक धार्मिक प्रकृति और एक पतिव्रता नारी थी। बाल्यकाल देव एक सरल बालका आसीत। बाल्यकाल में जब वे छोटे थे तो वो एक साधारण बालक की तरह ही थे। महात्मा गांधी एक साधारण बालक की तरह ही थे। सदा सत्यम वदति स्म। वे हमेशा, सदा यानी हमेशा या सदैव, सत्यम सत्य, वदति स्म सत्य कहते थे, यानी उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला था। वे किसके लिए? महात्मा गांधी के लिए। महात्मा गांधी हमेशा सत्य कहते थे। तो हमारा नेक्स्ट जो पेज है वो है सह आचार्यणाम प्रिय आसीत। वो अपने आचार्य जो उनके शिक्षक थे उनके बहुत ही प्रिय थे, उनका आचरण बहुत ही प्रिय था, बहुत ही अच्छा था। उच्च शिक्षाये सह आंग्ल देशाम आगच्छत। ऊंची उच्च शिक्षा के लिए वे यानी महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के लिए सर्वनाम प्रयोग किया गया है सह। उच्च शिक्षाय सह आंग्ल देशाम आगच्छत। ऊंची शिक्षा के लिए यानी उच्च शिक्षा के लिए वह विदेश गए थे। सा विदेश गमना गम विदेश गमन समये मातु आज्ञा सा संकल्पितवान यत। वे जब विदेश जा रहे थे उस समय उन्होंने अपनी माता की आज्ञा लेते हुए एक संकल्प लिया था कि यत यानी कि अहम मध्यम न सेवियामि मांसम स्पर्शम अपि न करिष्यामि एव सदा ब्रह्मचार्यम आचार्यस्यामि आचारिष्यामि। अहम यानी मैं। इसमें दूसरा जो वाक्य उसमें लिखा हुआ है 11th का सेकंड, मांस को स्पर्श नहीं करेंगे, मतलब वो अहिंसा नहीं करेंगे, मांस को किसी भी तरह के मांस को स्पर्श नहीं करेंगे, एक ब्रह्मचार की तरह उनका आचरण होगा। उसके बाद है स्वदेशम आश्रय स्वदेशस्य सेवायाम संकलन अभवत। संकलन अभवत। जब वे विदेश से वापस आए तो वे देश की सेवा में, देशस्य सेवायाम देश की सेवा में संकलन संकलित हो गए। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पेज है वो है 13th पॉइंट, दैट इज अस्य ईश्वरे दृढ़ विश्वास आसीत। उनका ईश्वर पर अटूट विश्वास था, उनका ईश्वर पर दृढ़ विश्वास था। सह आंग्ल देशानां विरोधे सत्याग्रह आंदोलनम प्रवर्तयत। उन्होंने आंग्ल शासका नाम, आंग्ल शासन जो विदेशी शासन चल रहा था उसके विरोध में सत्याग्रह आंदोलनम प्रवर्तयत, सत्याग्रह आंदोलन किया था।